এই তাকা কিচেন মে আর আবি কিচেন মে আকে সন্দীপ ক্যা বানায়েগা ये तो दोईटा देबे दोईटा आप बताओ टेस्ट करके मेरे को बहुत सर्दी लग गया आलू खा के देखो उनकी खाओ हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ तमालिका, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं सुबह किचन में आई हूँ और ब्रेकफास्ट के लिए मैं आटा गूंद के पहले से रख दिया था और आज मैं बनाऊँगी आलू की पराठा। जो पहले दिन रात को मैं आलू का जो मैरिनेशन होता है मैं वो सब कुछ रेडी करके रख दिया था, आटा भी सुबह आज गूंदा। और मैं बनाऊँगी आलू की पराठा, जो मैं कैसे आज इसीलिए बना रही हूँ कि आज संदीप का भी छुट्टी है, रेनी भी घर पे ही है। रेनी का तो स्टार हॉलीडे चल रहा है इसीलिए छुट्टी है। तो कुछ दिनों में ही रेनी का स्कूल कॉलेज ओपन होने वाला है, तो वो चाहती है कि आज वो आलू का पराठा खाए। वो आलू के रेनी आलू का पराठा बहुत पसंद करते हैं, संदीप को भी अच्छा लगता है आलू का पराठा। तो मैं पहले भी एक बार बनाई थी, वो डिफरेंट टाइप से बनाई थी। तो आज मैं बनाया था जो आलू का पराठा, वो भी रेसिपी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। तो मैं ना ऐसे पहले बेल लेती हूँ आलू, ये पराठा के लिए जो रोटी है वो पहले बेल लेती हूँ, उसके बाद उसके अंदर मैं आलू का पूर स्टफिंग करती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाया। अदरक, ग्रीन चिली, ऑनियन और धनिया पत्ता को मैं ग्रेटर में अच्छे से ग्रेट कर लिया था और आलू में बॉयल करके रख दिया था। आलू को अच्छे से मैंने मैश कर लिया है और अब डालेंगे जो ग्रेटर में ग्रेट करके रख दिया था, ये अभी इसको इसके साथ मिलाएंगे। तो मिलाएंगे अभी थोड़ा सा मैं भुना हुआ भाजा मसाला, जो मेरे पास हमेशा रहता है, 2 टीस्पून तक मैंने दिया। दे देंगे अपने हिसाब से सॉल्ट, इतना सा दे देंगे कसूरी मेथी का ड्राई जो लीव्स आता है ना वो, दे देंगे 1 टीस्पून तक नींबू का पानी। आप चाहो तो आमचूर पाउडर भी दे सकते हो, बट मैं वो स्किप करना चाहती हूँ, मैं यही दूंगी। फिर अच्छे से मिला लेंगे इसको। इसको मिलाने के बाद कुछ ऐसा हुआ है, फिर इसको मैं अभी फ्रिज में रख दूंगी, फिर कल ब्रेकफास्ट के लिए। इधर पराठा बना के संदीप को मैं दे रही हूँ और संदीप खा रहा है। बताओ कैसा लग रहा है आज। मैंने बहुत टेस्टी है सच में, थोड़ा सा स्पाइसी है पर अच्छा है। चलो तो संदीप को अच्छा लगा, अभी बहुत काम है मेरा। और इधर मेरे लिए मैं चाय बिठाया और संदीप तो ग्रीन टी केटल टी पिया है और रेनी को भी ब्रेकफास्ट में दे दिया। रेनी का आज ट्यूशन है और आज मैं और संदीप एक साथ घर का काम भी करेंगे और कुकिंग का भी रेसिपी आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। आज संदीप भी बनाएगा, तो देखते रहिए वीडियो। और आज भी ना मुझे बहुत सर्दी लगा है और फीवर भी आया है, तो अभी ये सब कपड़ा मैं एक साथ इकट्ठा कर लिया, समेट लिया। और ये सब रेनी अभी पड़ रही है बोल के मैं इधर ही रखा, बाद में इसको अलमीरा में उठाना है। टेबल क्लॉथ भी मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा चेंज करूँ। और इधर देखिए आज संदीप जी क्या बनाएंगे, क्या बना रहे हो। दाल बनाएंगे। ये कौन सी दाल है। ग्रीन मूंग है और मूंग की दाल। तो संदीप लंच में आज ये पकाएगा और इसके साथ क्या है। इसके साथ आलू की सब्जी। आलू की सब्जी और ये दाल होगा। और रात को संदीप क्या बनाओगे तुम, स्पेशल बनाओ, बताओ क्या बनाने वाले हो। पास्ता बनेगा और सूफले बनेगा दो रोटी। पास्ता और सूफले। पिस्ता चीज सूफले। तो बने रहिए वीडियो में, अच्छा अच्छा रेसिपी आज दिखाएगा संदीप बहुत दिन के बाद, है ना संदीप। देखते रहिए।
इंतजार करिए। बहुत काम कर रहा है संदीप अभी, इधर से उधर बर्तन हम लोग अभी, मेरे साथ संदीप मुझे हेल्प कर रहा है क्योंकि रैनी अभी पढ़ रही है बोल के, उसका आज ट्यूशन है, तो हम करेंगे घर का काम एक साथ मिलके। तो हमेशा ना संदीप मुझे बहुत ही हेल्प करता है घर के काम करने के लिए, और वीकली बहुत काम रहता है घर पे, तो एक साथ करने से थोड़ा सा रिलैक्स भी फील होता है, और अकेले करते तो थोड़ा सा टायर्ड फील हो जाते हैं। तो इतना दूर रहते हैं, घर में कोई हेल्प करने वाला नहीं रहता है, तो संदीप हमेशा हमेशा बहुत हेल्प करता है। रैनी भी जब पढ़ाई नहीं रहता है वो बहुत हेल्प करती है मुझे। तो ऐसे करके हम दोनों घर का काम आधा आधा बांट लिया था, तो ऐसे कर रहे थे। पुदीना पत्ता लेके आई थी ना, तो इसका जड़े निकल गई है, मैं इसे पानी में रखा था, तो ऐसे देखिए जड़े निकल गए, जड़े को दिखाओ थोड़ा, ऐसे मैं अभी इधर रखूंगी, समर में अच्छे से होएगा, फिर मर जाता है। ये देखिए नीचे से ऐसे आ रहा है, ऐसे जड़े आ रहा है, तो अभी इसको एक ही साथ लगा दो। इसको भी जेट प्लांट ये क्या बोलते हैं, ये भी संदीप ने लाया है छोटा सा एक, ये मैं सीन से ऑर्डर किया था, तो मैं पहले भी दिखाई थी, 1 pound में मैं उसका जो कैप आता है वो लिया था मैंने, और ये कोई भी बॉटल में ये फिट हो जाता है अच्छे से, बहुत यूजफुल है मेरे लिए। डेली मत इनसाइड है ना अभी, और मिट्टी अगर गीला रहेगा तो डेली पानी देने की जरूरत नहीं है, इधर भी थोड़ा डाल दो, वो विंडो थोड़ा सा ओपन कर दो, तो अभी इधर से अच्छे से थोड़ा सा हवा आएगा तो पेड़ पौधा अच्छे से खिलेगा। आज संदीप नया नाइफ निकल रहा है, ये खुशी दिया था संदीप को भाई दूज में, बहुत अच्छा है ये नाइफ, और काम करते करते मुझे इतना छींक आ रहा था, मुझे एक के बाद एक लगे रहते हैं, कभी मैं ठीक नहीं रहती हूँ, दो तीन दिन ठीक रहती हूँ तो चौथे दिन मेरा कुछ ना कुछ हो जाता है, तो पता नहीं क्यों होता है मेरे साथ ऐसा। तो मैं धीरे धीरे सब थोड़ा थोड़ा करके सफाई कर रही थी, और एक एक साइड में मैं उसको समेट रही थी और डेकोरेट थोड़ा थोड़ा कर रही थी, तो इस साइड में थोड़ा सा विंडो वगैरह भी मैं साफ़ कर लिया, और मनी प्लांट को मैं उधर ही रखने वाली हूँ क्योंकि उधर विंडो खुला रहता है तो हवा अच्छे से खिलेगा तो प्लांट अच्छे से ग्रो होगा। सब्जी बॉईल हो गया है, ये गोभी और आलू बॉईल किया हुआ है, और संदीप इधर जिंजर गार्लिक चॉप्ड और ग्रीन चिली चॉप कर रहा है, और इधर दाल बॉयल हो रहा है और उसमें दाल बनाएगा। मैं इधर सफाई कर रही हूँ, और ये जो बॉटल है मैं खुशी को बोला था आजदा से लाने के लिए, तो खुशी ला के दिया है मुझे, तो इसमें डिटॉक्स वाटर बनाऊंगी, थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तीनों मिलके एक साथ पी सकते हैं, ज़्यादा पानी भरेगा। और इधर संदीप जी खाना बना रहा है,
तो संदीप को चाहिए था थोड़ा सा कड़ी पत्ता, क्योंकि वो उसमें जो सब्जी बनाएगा उसमें कड़ी पत्ता देने वाला है। और ये जो सब्जी संदीप बनाते हैं ना, बहुत ही टेस्टी बनाते हैं। ये रेसिपी देख के आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और जो मैं कड़ी पत्ता जो मैं हमेशा मैं फ्रोज़न में रखती हूँ, कौन कौन मेरी तरह फ्रोज़न में रखता है ज़रूर बताइएगा, क्योंकि फ्रोज़न में रखते हैं रखने से बहुत दिन तक अच्छा रहता है। और जब आप कड़ी वगैरह कुछ बनाओगे तो एकदम जैसे कड़ी पत्ता का जो फ्लेवर है वैसा ही आता है। तो मैं ऐसे करके ही रखती हूँ। और ये प्लांट नीचे से थोड़ा सा नीचे आ गया था, तो मैं थोड़ा भारी हो गया था बोल के नीचे आ रहा है, तो मैं ऊपर बांध के लगा देने के लिए संदीप को बोल रही थी। ये गया चिली, गया मस्टर्ड, जीरा गया, उसके बाद जाएगा करेली, फिर जाएगा गार्ली, जाएगा जिंजर और ग्रीन चिली, जाएगा मसाला धनिया जीरा हल्दी मिर्ची पाउडर, हम डालेंगे आलू की बॉईल किया हुआ आलू और गोभी, इसमें कोई पानी नहीं जाएगा क्योंकि सब्जी है। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा नमक, ऑलरेडी नमक डाला हुआ है जब आलू थोड़ा बॉईल किया था, तो थोड़ा नमक डालेंगे। उसके बाद थोड़ा सा घुमाना है और आपकी में थोड़ा सा धनिया जाएगा, अगर किसी को अगर लेमन जूस डालना है तो लेमन जूस भी डाल सकते हो, ऑप्शनल है, मेरे को चाहिए अपने टेस्ट के ऊपर। थोड़ा लेमन जूस दे दो, थोड़ा ये सब्जी बन के रेडी हो चुका है। आप बताओ टेस्ट करके, मेरे को बहुत सर्दी लग गया। आलू दिखाओ दो मुझे। तो इधर संदीप खाना पका रहा था और मैं घर का काम करती गई। बहुत आसान हो गया था आज काम करते हुए। तो हम ये दाल आज मस्टर्ड ऑयल से बनाएंगे। पहले हम डाल दिए मस्टर्ड ऑयल, कढ़ाई एकदम गर्म हो गया। उसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा, जीरा ज्यादा नहीं, जीरा हो जाएगा। तो हम डालेंगे प्याज और अदरक और चिली एक साथ, थोड़ा फ्राई करेंगे, हल्का सा लाइट ब्राउन करेंगे। उसके बाद हम बहुत टमाटर और मसाला डालेंगे, दाल डालेंगे। तो हम प्याज को थोड़ा हल्का सा भून लिया, इसका जो खुशबू आ रहा है बहुत बढ़िया, प्याज मिर्ची अदरक का जो खुशबू है थोड़ा तो भूनने के बाद बहुत बढ़िया है। तो इसके बाद हम पहले मसाला डालेंगे, हल्दी थोड़ा जीरा पाउडर और थोड़ा सा चिली पाउडर, इसको थोड़ा भूनेंगे एक दो 10-15 सेकंड, इसको भून लेंगे। मसाला थोड़ा भून लिया, इसके बाद हम डालेंगे चॉप किया हुआ टमाटर। तो इसमें थोड़ा हम नमक डाल देंगे कि ऑलरेडी दाल में नमक डाला हुआ है, तो टमाटर गलने के लिए थोड़ा सा नमक हम डालेंगे, बाकी बाद में देखेंगे, अगर कम लगेगा तो और डाल देंगे। थोड़ा सा इसमें हल्का सा पानी डाल देंगे, थोड़ा टमाटर गलेगा, इसको ढक्कन मार के छोड़ देंगे, थोड़ा टमाटर गलेगा, उसके बाद दाल ऐड करेंगे। तो मैं ये टेबल क्लॉथ चेंज कर दिया,
और ये आलू की सब्जी इधर रखा है। और ये जो टिफिन बॉक्स है ना, एक साथ में तीनों टिफिन बॉक्स लेके आई थी कल प्राइमार्क से 4.50p में, मतलब इंडियन करेंसी अब का होगा 450 के ऊपर, 500 रुपया। और उधर संदीप जी स्टैंड लगा के खाना पका रहा है। कैसा महसूस कर रहे हो संदीप जी? तो इधर ये भूज रहा है मसाला, अभी दाल डाल देंगे। अभी दाल को अभी डालना है इधर। दाल हो गया डालना इधर, और बहुत ही टेस्टी बनता है ये दाल। तो अभी थोड़ा सा पानी मिला के इसमें भी ऐड कर रहा है। कर दिया, फिर क्या करना है? फिर कुछ नहीं करना है, फिर इसको अच्छे से मिला लेंगे। और ये उबलना बाकी है, इसमें घी वगैरह कुछ जाएगा क्या? घी डाल सकते हो, बटर डाल सकते हो, नमक डाल सकते हो। हम थोड़ा सा धनिया डालेंगे, थोड़ा सा घी डाल देंगे। बहुत हेल्दी है ये दाल। धनिया ऑप्शनल है ना? मैं बोल रही हूं, डालेगा तो अच्छा टेस्ट आएगा। अच्छा, हम थोड़ा सा उबालने के लिए इसको छोड़ देंगे, बाद में करते हैं इसको टेस्ट। तो अब हो गया है लंच का टाइम, तो हम एक साथ बैठ के लंच कर रहे हैं। एक साथ बैठ के लंच करने का मज़ा ही कुछ अलग होता है, हर रोज़ तो ऐसा नहीं होता है। तो जिस दिन संदीप का छुट्टी रहता है उस दिन आके एक साथ बैठ के हम लोग खाना खा लेते हैं। तो इसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो बने रहिए वीडियो में। इवनिंग मिलते हैं। तो संदीप अभी फिर से आ गया है किचन में, और अभी किचन में आके संदीप क्या बनाएगा? तो सूफले बनाएगा आज डिनर में, डेजर्ट में, और डिनर के लिए होगा पास्ता। तो सूफले ये है, सूफले कप मेरे पास था, ये थोड़ा सा बड़ा है, छोटा चाहिए था, बट आज इसमें काम चला लेंगे। तो आज का जो डिनर है, जो रेनी रिक्वेस्ट किया था उसके पापा को, इसीलिए संदीप बना रहा है। इसमें क्या क्या है? मिल्क है, पिस्ता के पेस्ट है, दो एग योक है, और इधर है दो चम्मच। फिर इसको अच्छे से गर्म करके इसको ऐसे पेटना है, इसको पेस्ट बनाना है। पेस्ट इसका थिकनेस आ गया, इसका थिकनेस अभी आ गया, देखो। अभी इसके अंदर जो दो एग योक है, तो अंडा भी पक गया इसके अंदर ही, दूध भी पक गया, तो मिक्सर ले लिया। इसको अभी स्टेन कर लेंगे, जो भी दाना दाना है उसको निकाल लेंगे। शुगर का डस्टिंग किया है इसके अंदर, सूप ले जाएगा मिक्सचर। उसके बाद ये पफ होगा, जब तो कैरामेल होगा साइड में, पिस्ताचियो भी रोस्ट होगा। बहुत अभी बढ़िया दिखने में लग रहा है। ये पास्ता के लिए स्टॉक बन रहा है, ग्रिल ऑनियन एंड चिकन बोन्स है, थोड़ा ऑलिव ऑयल में थोड़ा सा ग्रिल करके उसके बाद स्टॉक बन रहा है। और ये है इटालियन एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, एकदम ओरिजिनल इटाली से लाया हुआ है। तो इसमें हम बनाएंगे ग्रिल चिकन, उसके साथ पास्ता के डालने के लिए। ये है चिकन लेग, चिकन थाई है ये, थोड़ा सीजनिंग डाल देंगे, थोड़ा सा सॉल्ट, इन साइड थोड़ा गोल्डन होगा, उसके बाद थोड़ा पलटाएंगे। ग्रिल चिकन रोस्ट हो रहा है, पैन रोस्ट, विथ सम गार्लिक
हर्ब्स, थाइम्स है, बटर है, ऑरिगेनो है, स्लो रोस्ट होगा, उसको थोड़ा सा सीजनिंग किया है थोड़ा सॉल्ट के साथ, ब्यूटीफुल फ्लेवर। अभी इधर पास्ता बॉईल हो रहा है और उधर चिकन भी एकदम क्रिस्पी बन के रेडी हो चुका है। गार्लिक दिया है, ऑलिव ऑयल में गार्लिक, उसके बाद थोड़ा सा चॉप ऑनियन और मशरूम दिया है, थोड़ा मशरूम सॉल्ट करने के बाद थोड़ा सा सॉल्ट पेपर डालेंगे, ये एस्पेरेगस डालेंगे, बस हो जाएगा। एस्पेरेगस देने के बाद ज़्यादा कुक नहीं करेंगे क्योंकि पास्ता के साथ कुक होगा, ये हो जाएगा। डाल दिया ये ब्लैक पेपर और सीजनिंग के लिए डालेंगे हम ये जो स्टॉक बना के रखा था चिकन बोन्स एंड ग्रिल ऑनियन का, तो इसका स्टॉक थोड़ा डाल देंगे, ये आएगा इसका बेस और इसका ग्लेज और टेस्ट। ये सॉफ्ट चीज यूज करेंगे गार्लिक थोड़ा सा बेस बनाने के लिए, तो सॉफ्ट चीज जो है इसमें बेस बनेगा इसका। तो ये है हमारा आज का डिनर और वो जो चिकन संदीप बनाया था क्रिस्पी वाला, ये है काट के पीस करके दिया है, यामी यामी सा डिनर। रेनी बहुत खुश है, रेनी भी वीडियो बना रही है, तो हम करेंगे अभी डिनर। तो आज का दिन तो बहुत बढ़िया गया है क्योंकि दोनों टाइम हम लोग एक साथ खाए हैं और इसके बाद मिलेंगे सुफले, डेजर्ट बनेगा। तो इसमें दो एक गया है, एक जो एक का व्हाइट इसमें अच्छे से फेंट ले रहा है संदीप। उसके बाद मैं धीरे धीरे शुगर ऐड करती गई, थोड़ा थोड़ा करके मैं दे रही थी, संदीप बोल रहा था मुझे, तो वैसे ही मैं दे रही थी। तो ऐसे देखिए पूरा एकदम फोम टाइप का रेडी हो चुका है। इसमें जो पिस्ता का जो पेस्ट बना के रख दिया था संदीप, उसमें जो बनाया था जो तब फ्राई पैन पे जो थिकनेस का जो बना रहे थे ना संदीप, वो इसमें धीरे धीरे ऐड करना शुरू कर दिया है, फिर मिक्सिंग कर रहा है। फिर अच्छे से मिक्स होने के बाद जो बोल रेडी करके रखा है इसके अंदर दे रहे हैं, फिर इसको ओवन में देने वाला है संदीप। तो ये डेजर्ट बहुत ही टेस्टी बनता है। ये चॉकलेट सुफले भी एक बार संदीप बनाया था, तब मैं वीडियो नहीं बनाई थी, बट ये पिस्ता का जो बना रहा है संदीप, ये सबसे मेरा फेवरेट है और मैं चॉकलेट ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ। तो इसको अभी ओवन में डालने वाला है संदीप, देखिए इसको डाल दिया। दोस्तों अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टा और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये देखिए ये सूफले धीरे धीरे फूल ऊपर फूल के आ रहा है। ये बोल थोड़ा सा बड़ा है बोल के एकदम पूरा बाहर नहीं आया, और छोटा बोल होता तो बाहर एकदम आ जाता था। तो छोटा बोल जब लाएंगे मैं घर पर ज़रूर मैं फिर से शेयर करूँगी। और पिस्ता जो एकदम पेस्ट बना के पाउडर बना के रख दिया था, वो ऊपर से थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए दे दिया। और ये ऊपर आइसक्रीम भी आ गया है और अभी रेनी टेस्ट कर रही है। ऐसा है तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, आपका लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो मिलेंगे एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और अभी हम लोग देख रहे हैं मास्टर शेफ़।